पीना हो मेरे साथ कभी करके दुले ही नहीं दुले आके कभी करके बबनी नहीं बबुआके ना। नमस्ते साधना जी। नमस्ते। भूले बिस्तरे के परिवार से आपका स्वागत है। थैंक यू। और आपको बचपन से ही एक्टिंग का शौक था, आपने सोचा था कि मैं एक्टिंग करूंगी और एक्ट्रेस बनूंगी? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी शौक नहीं था। तो फिर ये कहाँ से है? ये कैसे हुआ? ये इत्तेफाक था। मैं हमेशा से एक सिंगर बनना चाहती थी, लेकिन मेरी सिस्टर सुरेंद्र जी हैं तो वो भारतीय कला केंद्र में ट्रेन हो रही थी बिरजू महाराज जी से। अच्छा। तो उनको ये एक फिल्म मिली राजश्री की, पायल की झनकार, जो डांस बेस्ड थी फिल्म, देखी थी। हाँ, तो वो बस उसके लिए आई थी और वो बहुत अकेला फील कर रही थी, तो उन्होंने मुझे बुला लिया कि थोड़े दिन आओ, छुट्टियों में मेरे साथ रहो। तो मेरे लिए बॉम्बे आना और समुंदर देखना बहुत बड़ी बात थी। मैंने कहा ठीक है, चलते हैं बॉम्बे। तो डैडी ने भेज दिया। यहाँ आई तो उस वक्त जो सत्यन बोस थे, उनकी फिल्म थी वो, तो उनकी सारी फिल्में गोविंद मुनीस जी ने ही लिखी थी। अच्छा। जो नदिया के पार के डायरेक्टर थे। अच्छा। और उन्हें उस वक्त राष्ट्रीय ने उनको एक बहुत बड़ा ब्रेक दिया कि आप इंडिपेंडेंट एक डायरेक्टर की तरह आप काम कीजिए। तो ये स्क्रिप्ट थी, लेकिन उनको लड़की कोई नहीं मिल रही थी। हाँ। तो वो कुछ 10-15 दिन सेट पर मैं गई अपनी सिस्टर के साथ, और उन्होंने ऑब्जर्व किया और जो भी देखा उन्होंने। और बस लास्ट डे जब मैं वापस जा रही थी, तब उन्होंने कहा साधना इधर बैठो, मुझे अपनी स्क्रिप्ट की हीरोइन मिल गई, मेरी फिल्म की हीरोइन मिल गई। मैंने कहा कौन? तो उसने कहा, उन्होंने कहा कि तुम। तो मैंने कहा मैं तो काम नहीं करूँगी। लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ, मेरी सिस्टर ने समझाया, सबने कहा कि बहुत अच्छा रोल है, और मेरे दिमाग में भी नहीं था, बस ऐसे ही लैप में आ गया। घर में से कोई किसी ने ऑब्जेक्शन लिया था कि नहीं करना? घर में ऑब्जेक्शन ये था कि डैडी का कहना था, वैसे तो कभी रोक टोक किसी चीज़ की नहीं थी, उनका ये कहना था कि भाई पढ़ाई लिखाई हो जाए। और लेकिन राष्ट्रीय प्रोडक्शन की अपनी एक इतनी क्रेडिबिलिटी है, इमेज है, कि उन्होंने बोला ठीक है अगर ऐसे ही करना है तो करो। उस तरह से मैंने वो फिल्म की। उस फिल्म में आपकी पहली फिल्म थी, उसके पहले आपने कोई एक्टिंग की तालीम नहीं ली थी? नहीं नहीं, मैंने एक्टिंग की कोई तालीम, आपको दिक्कत आई कोई चीज़? बिल्कुल भी नहीं, मुझे पता ही नहीं चला ये एक्टिंग वैक्टिंग क्या होती है। तो लेकिन ये था कि गांव में पहली बार गई थी मैं, तो जिस दिन पहुंची गांव में, और हमारे डायरेक्टर जो गोविंद जी हैं, उन्होंने बोला कि चलो चप्पल उप्पल उतारो और भागो खेतों में। तो इस तरह से एक तरह की ट्रेनिंग हो गई। एक दो दिन उन्होंने कहा ब्रश व्रश नहीं करना है, दातुन करना है, और इंग्लिश में बात नहीं करनी है। तो ये सब ट्रेनिंग थी। तो और हम मुझे रखा भी गांव में था। हाँ, हाँ। अच्छा, मतलब हाँ, गांव में रखा था। कितने दिन तक थी शूटिंग? हम लोग ने 28 डेज शूट किया वहाँ। तो उतने दिन तक आप गाँव में? हाँ, गाँव में थी। बाजू के कोई शहर में वगैरह नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरे कोई कनेक्शन नहीं था शहर से। अच्छा। फिल्म में लीला मिश्रा भी थे ना? जी, उनका जी, भी बहुत अच्छा उनका करेदार, मतलब बहुत अच्छी एक्ट्रेस थी। अरे उनसे तो इतना कुछ सीखने को मिला मुझे। सबसे पहली बात तो मैंने उनको इतना देखा था फिल्मों में, तो मैं इतनी मेस्मराइज हो गई उनको देख के। और वो इतनी इतनी सरल, इतनी सिंपल लेडी थी कि एक एक्ट्रेस के हिसाब से मैंने कभी उनको, मतलब ना उन्होंने ऐसे महसूस होने दिया कि वो कोई, और बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी वो, शायद डायलॉग देखती भी नहीं थी। अच्छा। हाँ, सुन के याद करती थी, ये बात मैंने उनसे ही सीखी। अरे, हाँ, मतलब वो पढ़ के नहीं, हाँ, याद करती, हाँ, सुन के याद करती थी। क्या बात। हाँ, बहुत प्यारी, बहुत प्यारी औरत थी। हाँ। और सचिन जी थे ना? हाँ, सचिन। और कोई खास आपकी कोई यादें वो फिल्म से जुड़ी? वैसे तो मुझे लगता है मैंने अभी कल ही ख़त्म की है वो फिल्म, तो यादें तो इतनी जुड़ी हुई हैं कि मैं अपने आप को कभी नदिया के पार से अलग कर ही नहीं पाई, गुंजा से अलग कर ही नहीं पाई, मुझे लगता है मैं ही हूँ गुंजा। और यादें इतनी हैं कि एक तो मेरी पहली फिल्म, पहला एनकाउंटर लोगों से गांव में,
और उनकी सिंपलिसिटी, इतने प्यारे लोग थे इतने, तो मैं तो मुझे लगा मैं गांव में ही रहने वाली हूँ, तो कभी किसी के घर में जाके खाना खा लेती थी, कभी किसी के लंच ब्रेक होता था तो कभी हमने मतलब ऐसा नहीं किया कि तो सब बोलते थे देखो साधना किसी के घर में बैठ के खा रही होगी, किसी रोटी चटनी वगैरह प्याज व्याज खाती थी, बहुत प्यार करने लगे सब गाँव वाले मुझे। और हुआ ये कि फिल्मों में तो आगे पीछे होते हैं ना सीन, सीरियल ही तो आप शूट नहीं करते हो, तो हुआ था कि कुछ पोर्शन थे जो मेरी शादी का दिखा दिया सीन वगैरह, उसके बाद कुछ शादी के पहले के सीन थे, तो ऑब्वियसली उसमें सिंदूर वगैरह तो लगाना नहीं है, तो वहाँ की गांव की औरतें आके बुलाती थी कि अरे शादी हो चुकी है अब तुम सिंदूर लगाया करो, ऐसे कैसे घूमती हो तुम, पल्लू लिया करो। तो उनको उनके हिसाब से उनकी सरलता थी, उनको पता ही नहीं था कि फिल्म पिक्चराइज हाँ जौनपुर की औरतें। और जिस दिन हमारा वाइंड अप हुआ उस दिन मैं भी बहुत रोई, गाँव वाले भी बहुत रोए। नदिया के पर में गुंजा का जो कैरेक्टर था उसमें आप इतने ओतप्रोत हो गए थे, ऐसे मतलब वो हम भूल गए कि आप साधना सिंह हैं, आप गुंजा हैं। ये बात है। और जैसे मैंने पहले भी बताया ना कि मैं गुंजा से अपने आप को अलग नहीं कर पाई, तो लोगों की सिंप्लिसिटी देखने को मिलती है मुझे जब छोटे शहरों में जाती हूँ। और एक इत्तेफाक हुआ था मेरा बिहार के किसी गाँव में, और लेट हो चुका था, तो वहाँ के लोगों ने बोला यहीं रह जाइए, तो रह गई, तो वहाँ की जो काम करने वाली सब मेरे पास आई, आपने अपना नाम साधना सिंह क्यों रख लिया, आपका नाम तो इतना अच्छा था गुंजा, कि उनको लगा कि मैंने साधना सिंह रख लिया, मेरा नाम ही गुंजा था। तो उस चीज़ से ये, और मुझे बहुत फख्र महसूस होता है। और अभी रिसेंटली ये जो पेज का शुरू हो गया है, पेज शुरू करना है तो फेसबुक पे, हाँ इंटरनेट पे, तो मेरे बेटे की जो गर्लफ्रेंड है उससे बोला आंटी आप क्यों नहीं पेज शुरू करते हो, आपका नाम है आपको चेक करना है। मैंने कहा मैं इस सब चीज़ों में नहीं हूँ, तो नहीं नहीं आपको करना चाहिए, आपको कनेक्ट रहना चाहिए अपने फैंस के साथ। तो उसने अभी शुरू किया, तो साधना सिंह जब लिखा ना तो बहुत सारे साधना सिंह आए, और उसमें मुझे लिखना पड़ा साधना सिंह गुंजा ऑफिशियल। तो उसमें जितने भी कमेंट्स आते हैं ना, तो ऐसे गुंजा जी आप कहाँ क्या कर रही हैं, गुंजा जी आपकी ये देखी फोटो आप ये अच्छा लगा, गुंजा जी सब मुझे गुंजा नाम से जानते हैं, तो मुझे अपना ऑफिशियल पेज भी साधना सिंह गुंजा ऑफिशियल रखना पड़ा। कितने साल हुए होंगे इस फिल्म को? 35 साल। 35 साल से आज भी लगता है कि कल ही देखी हुई। हाँ हाँ मुझे भी लगता है मैंने कल ही फिल्म की है वो। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। उसके बाद नदिया के पार के बाद आपने कौन सी फिल्म की थी? एक सुर संगम आई। हाँ सुर संगम आई थी, गिरीश कर्नाड जी थे, जयप्रदा थी। हाँ लेकिन वो फिल्म इतनी चली नहीं, क्योंकि उस वक्त शायद एक टिपिकल फिल्में चला करती थी जिस वक्त वो फिल्म आई, लोग ज़्यादा रिसेप्टिव नहीं थे, उन्होंने बहुत प्यार से उसको स्वीकारा नहीं। उस वक्त साउथ में ऐसी फिल्मों को स्वीकारा जाता था क्योंकि म्यूज़िक बेस्ड थी, तो चला नहीं। लेकिन मुझे बहुत मज़ा आया काम करने में, सुंदर मूवी, बहुत सुंदर, आपका रोल भी बहुत अच्छा। हाँ छोटा सा था, प्यारा सा रोल था, बहुत अच्छा। हाँ और उसमें गिरीश कर्नाड के साथ आपने काम किया, बहुत वो थे, उससे भी बड़ी बात थी कि के विश्वनाथ जी के साथ काम करना, जो उसके डायरेक्टर थे वो, तो हाँ जिन्होंने सरगम बनाई थी और संगीत बनाई थी माधुरी के साथ और जयप्रदा के साथ, सरगम उनकी बहुत हिट फिल्म है, और उनको तो भगवान की तरह पूजा जाता है साउथ में। अच्छा। तो उनके साथ एक काम करने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मुझे। हाँ बहुत मज़ा आया। एक आपकी फिल्म आई थी तुलसी, ये सचिन के साथ में थी। जी जी उसमें आपको कोई अवार्ड्स मिले थे करके? हाँ अच्छी फिल्म थी, अच्छी फिल्म थी मेरी नदिया के पार के बाद। मैं सोचती हूँ कि सुर संगम और तुलसी दो फिल्में जो मैं अपने दिल के बहुत करीब रखती हूँ, और मुझे मज़ा भी बहुत आया था काम करने में क्योंकि डबल रोल था, एक नया एक्सपीरियंस था, और उसके लिए मुझे कलाश्री अवार्ड मिला था प्रेसिडेंट ज्ञानी जेल सिंह से। हाँ तो अच्छी फिल्म थी बहुत। एक फिल्म आपने संजीव कुमार साहब के साथ की थी, और सुना है कि उसमें आपने उनको छोर के डांट लगा दी थी। अच्छा आपको पता चल गया है ना। हाँ वो फिल्म थी एक बदकार, जिसमें छोटा सा रोल था, और मैंने हाँ सिर्फ इसलिए कहा था क्योंकि संजीव के ऑपोजिट था, तो उनके साथ एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा मुझे। बहुत मस्ती वाले आदमी थे, और जैसे वो दिखते हैं उनकी पर्सनालिटी बहुत सीरियस, ऐसा कुछ नहीं। अगर वो किसी के साथ खुल जाते थे तो बहुत ही उनका मतलब मजाक करना, ह्यूमरस थे बहुत,
तो ऐसे ही कुछ लेट एक आध बार लेट आए गाने में, मुझे काफ़ी देर वेट करना पड़ा, तो मैंने बस उनको बोल दिया, मैंने कहा ये क्या बात है, हमने तो सुना था कि मद्रास की फिल्म करने में टाइम पे आते हैं लोग और आप इतना लेट आए, लेकिन वो सिर्फ मस्ती में दूसरे दिन बिल्कुल टाइम पे आ गए बहुत प्यारे आदमी थे। और अपने फिल्मों में गाने भी गाए हैं, भोजपुरी फिल्म ऐसे गाने गाए नहीं है, मतलब क्योंकि भोजपुरी फिल्म पहली फिल्म मेरे फादर इन लॉ ने शुरू की थी, गंगा मैया तो है पियर रिचर्ड, बहुत अच्छी फिल्म, गाने बहुत, मतलब माइलस्टोन है, उससे अच्छी फिल्म तो बनी नहीं, उसके गाने चित्रगुप्त जी के और बहुत सुंदर गाने थे, हे गंगा मैया तो है पियर, मैं तो बहुत छोटी थी लेकिन मुझे याद है मेरी मम्मी मेरी सिस्टर ये गाना गाया करती थी, तो मुझे नहीं पता था कि एक दिन उसी घर में मेरी शादी भी होगी तो हाँ 2003-04 में मेरे हस्बैंड चाह रहे थे कि उनको एक ट्रिब्यूट दिया जाए मेरे फादर इन लॉ को क्योंकि एज अ पायनियर, तो उनके बर्थडे पे ये एक फिल्म बनाई थी उन्होंने भोजपुरी, उसमें मैंने सारे गाने गाए थे उदित जी के साथ और क्षितिज के साथ। कुछ हाँ, सुनाएंगे उसका गाना या तो वो यूट्यूब पे आप देख लीजिएगा, वो है गंगा जसन पावन, तो सुन ही सकते हैं लेकिन ठीक है मैं गाऊंगी तो अपनी फिल्म का कोई और अपनी फिल्म का गा लूंगी। कौन सी फिल्म का गाऊं, कोई भी नदिया के पार का ही गा दूं, है ना। चला रे बटुहिया कौन दिशा में लेके चला रे बटुहिया, कौन दिशा में लेके चला रे बटुहिया, हे ठहर ठहर ये सुहानी सी डगर जरा देखन दे देखन दे बहुत बढ़िया, बहुत हाँ। अभी हाल ही में आपकी एक फिल्म आई थी जुगनी, बहुत साल के बाद आपने एक फिल्म की जी, तो कैसे मिली वो फिल्म, क्या उसके बारे? ऐसा है कि फिल्में कुछ मिलती गई लेकिन मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि मुझे करनी चाहिए क्योंकि एक ये बड़ी भेड़ चाल है यहाँ पे कि आपकी आपके पास रोल लेके आते हैं तो स्पेशली कैरेक्टर आर्टिस्ट के लिए तो बड़ा उनका एटीट्यूड दूसरा होता है, और जैसे कि हीरो की माँ का रोल है आपके लिए साधना जी करेंगे, या हीरोइन की माँ का रोल है, या किसी की मामी का रोल है, या चाची का रोल है, तो मैंने कहा ये तो बात नहीं बनती है, अगर करना है तो कुछ अच्छा करना है, तो ये जो शेफाली भूषण है बहुत अच्छी डायरेक्टर हैं, ये मेरे पास आई, इन्होंने बोला कि मुझे आपके लिए मेरे पास एक कैरेक्टर है बहुत अच्छा, वो मैं सुनाना चाहती हूँ, जो कि हीरो की माँ भी है। अच्छा। लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला कि हीरो की माँ है और आप करिए, और उन्होंने कहा मेरे पास एक कैरेक्टर, वो अपने आप में कैरेक्टर है, जो माँ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। हाँ, तो वो चीज़ उसकी अच्छी लगी, और छोटा सा कैरेक्टर था बहुत इम्पोर्टेंट, और पंजाब की एक सूफी सिंगर है जिसका अब टाइम चला जा चुका है, मतलब उसके पास कुछ भी नहीं है, पैसों की भी तंगी है, सब कुछ है, जैसे होते हैं सूफी सिंगर्स जो गांव में रहते हैं, गाते बहुत अच्छे हैं लेकिन एक टाइम के बाद मतलब उनकी चमक चली जाती है, लेकिन वो बात तो बहुत सॉलिड है क्योंकि खानदानी म्यूज़िक चला रहा है, तो उस तरह का रोल था, मुझे करने में बहुत मज़ा आया, और यंगस्टर्स जितने थे तो मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं कोई सीनियर आर्टिस्ट हूँ, उनके साथ मैं उसी तरह काम करी जैसे मुझे लगा नदिया के पार में, वो भी मिट्टी से जुड़ी हुई फिल्म थी, ये भी थी, तो मुझे बहुत मज़ा आया काम करके। और अभी आगे आपकी कोई फिल्म के लिए आप? नहीं, अभी तो कोई ऐसी फिल्म ना ऑफर है ना मैं अभी सोच भी रही हूँ इस तरह का कुछ नहीं। हमने हमारे भूले बिसरे परिवार में आपके बारे में लिखा कि भाई हम इंटरव्यू करने जा रहे हैं, आप फैंस लोग कि आप और किसी को कुछ पूछना है क्या, कुछ बताना है, तो बहुत लोगों ने आपको बहुत प्यार भरे मैसेजेस दिए अगर उनको आपसे कनेक्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं? वो मेरे पेज पे आ जाए, और मेरा साधना सिंह गुंजा ऑफिशियल करके एक पेज है, तो उस पर मैं हफ्ते में एक बार जाके जितने लोग हो सकते हैं कोशिश करती हूँ कि उनसे कनेक्ट करूँ, उनकी बात का जवाब दूँ,
तो अपनी तरफ से कोशिश यही है कि मुझे लगता है एक यही तरीका है, और यस प्यार तो मुझे बहुत ज़्यादा लोगों का मिला है और इसीलिए मैं सर्वाइव कर रही हूँ आज तक उनके प्यार की वजह से। अच्छा, अभी एक हमने जिन सबसे पूछा था कि कोई कुछ पूछना चाहते हैं, तो कुछ दोस्तों ने पूछा है, तो वो सवाल जरा ले लेते हैं। हाँ। कि एक हमारे जो भूले बिसरे गीत के जो फाउंडर है बालकृष्ण बिरला, हाँ हाँ। उन्होंने पूछा है, वो भोजपुरी भाषा के बहुत गानों के बहुत शौकीन है। अच्छा। उन्होंने कहा कि पहले के गाने बहुत सुंदर होते थे, सोनवा के पिंजरा में हमारी फिल्म का था, हाँ, मतलब मेरे फादर इन लॉ की फिल्म थी जो, तो वो जो स्तर था आज इतना नीचे कैसे हो गया, आज के जो भोजपुरी गाने हैं इतना स्तर गिर कैसे गया। स्तर तो ये बात तो फैक्ट है, क्योंकि जब गंगा मैया तो है पियरे चढ़ेबू फिल्म बनी थी, वो कहाँ से उपजी थी उसका उसका जो आइडिया, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे प्रेसिडेंट थे फर्स्ट, उन्होंने मेरे फादर इन लॉ को, वो बहुत अच्छे दोस्त थे, उन्होंने कहा कि हमारी लैंग्वेज इतनी मीठी है, इसमें कोई इसकी कोई ग्रामर नहीं है लेकिन इतनी मीठी है, तो इसमें कुछ तुम क्यों नहीं करते हो, और बस वो उनकी बात को पकड़ के आए और यहाँ नज़ीर हुसैन और कुंदन लाल को मिले और उन्होंने फिल्म बनाई। और ये फिल्म जब लगी थिएटर्स में तो कुमकुम जी तो थी हीरोइन। अच्छा। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और लाल बहादुर शास्त्री जी वगैरह सब आए थे देखने, तो एक अपने आप में माइलस्टोन थी। और मुझे पता चला कि राज कपूर साहब जब बना रहे थे प्रेम रोग, तो भी वो विडो रीमैरिज पे बन रही थी, तो उन्होंने वो फिल्म काफ़ी बार देखी भी थी, ये बात उन्होंने मेरे हस्बैंड से शेयर की थी। तो वो लैंग्वेज इतनी मीठी थी, तो गाने उसके जो मिट्टी से जुड़े हुए गाने थे ना, जैसे चित्रगुप्त जी ने बताया सोनमा की पिंजरा में, लता जी का, और बाकी भी फिर दो चार फिल्में जो बनी, हाँ। बलम परदेसिया वगैरह, उसके भी बहुत अच्छे अच्छे गाने थे। हाँ, लेकिन बाद में स्तर, अब स्तर की तो ऐसी बात है ना कि अब जैसे फास्ट फूड आ गया हमारी मतलब लाइफ में, पहले नहीं था वो फास्ट फूड, तो लोगों को बहुत अच्छा लगा कि चलो खाते हैं, लेकिन अब जाके धीरे धीरे पता चलता है वो इतना टेस्ट ख़राब कर दिया बच्चों का हम लोगों ने, कि अब तो भोजपुरी का मतलब कि गंदगी, लोग कहते हैं कि वो भोजपुरी मतलब उसको उसका स्तर इतना गिरा दिया। हाँ, तो अब वही है कि अब अच्छा खाना परोसेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा लोगों को समझने में, और लोग आ रहे हैं वापस अच्छे म्यूज़िक की तरफ, क्योंकि अब पेट भर गया और ख़राब हो चुका है लोगों का फास्ट फूड खा के। अनुपमा अग्रवाल चौधरी ये लिखते हैं कि इन्होंने ये नदिया के पार इतनी बार देखी है और आज भी जब भी चैनल चेंज करते करते वो फिल्म दिख जाती है तो चैनल चेंज नहीं करती, वापस से देखती है, कितनी बार वो आ जाती है टीवी के। ये बात तो हमें कितनी, हमारी एक दोस्त है शैलजा पांडे, उन्होंने भी बोला ये फिल्म जब भी टीवी में दिख जाती है मैं पूरी पिक्चर वापस देखती हूँ। हाँ, लेकिन ये बात मैं सबसे सुनती हूँ कि एक बार सर्फ कर रहे होते हैं और नदी के पार दिख जाती है तो लोग वहीं पे कहते हैं अब छोड़ दो आगे नहीं जाना तो आई थिंक वो फिल्म लोगों के दिलों तक पहुँची हुई है, और दिल से बनी हुई फिल्म थी, दिमाग से बनी हुई नहीं थी, तो इसलिए दिल को दिल से राह होती है ना। बहुत अच्छी बात की, मिट्टी से जुड़ी हुई फिल्म थी, गाँव की कहानी, तो बहुत सिंपल और खूबसूरत लगती है, जैसे उसके ऊपर एक हम आपके हैं कौन भी है बनी। हाँ हाँ। लेकिन नदिया के बार की बात ही कुछ और है। हाँ, ये तो है, सादगी हम आपके कौन में काफी उसको सजाया वगैरह था। हाँ। हाँ। और वो एक एकदम से बिल्कुल रॉ फिल्म थी। अच्छा। गौरी शंकर प्रसाद, उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत याद है उनकी आपके फिल्म के साथ, आपके साथ जुड़ी हुई बताई है कि उनका जो बेटा था वो तभी फिल्म जब आई तभी कॉलेज में था। अच्छा। तभी इतना आपसे मतलब आपका फैन हो गया था कि गुंजा से कैरेक्टर से, कि उन्होंने उससे सोचा था जब मेरी शादी होगी मेरी बेटी होगी उसका नाम मैं गुंजा रखूंगा, और भगवान ने वही किया, उनको एक बेटी दी और उनका नाम उसने गुंजा रखा है। ये बात सच्ची बता रही हूँ, ये कोई बहुत सरप्राइज नहीं हूँ मैं इस बात को लेकर, क्योंकि उन दिनों आई थिंक 82 से 83 में बहुत लड़कियों का नाम गुंजा रखा गया, और अपने आप में बहुत प्यारा नाम प्यारा है नाम। हाँ, बहुत प्यारा नाम है प्यारा। हाँ, तो काफ़ी लोगों ने उस वक्त गुंजा रखा। और जैसे मेरा नाम, मेरी मदर ने देखी थी लव इन शिमला, साधना, साधना। तो हमारे पंजाबी फैमिली में कभी ऐसा नाम नहीं रखते थे, मतलब सिख फैमिली में, लेकिन उन्होंने ठान लिया कि अब मेरी बेटी होगी। अगर सबने कहा अब कहाँ, तुम्हारे चार चार बच्चे हैं, लेकिन मैं आई इस दुनिया में और उन्होंने रखा, तो लोग इस तरह से जुड़ जाते हैं।
कहीं ना कहीं। आराधना लिंडा वो पूछती बोलती है कि उनकी मम्मी जब कॉलेज में थी तभी आपकी फिल्म देखी थी और बड़ी फैन हो गई थी, मतलब उनसे काफी बार सुना था आपकी फिल्म के बारे में, तो आप बता सकते हैं कि आपकी अपने अभी रिसेंट जो मूवीज आती है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? जो मूवीज आती है